आप ऑफिस पहन के जा सकते हो ट्राउज़ आप कॉलेज पहन केट काफी यूजफुल होने वाले हैं मेरे लिए तो पर्सनली आई लव दम बिकॉज मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ मैं हॉल काफी दिनों बाद बना रही हूँ विदाउट एनी फर्दर डू लेट लेट स्टार्ट विथ माई फेवरेट टी शर्ट दिस इज दी टी शर्ट मैं यहाँ पर सब मैंशन कर दूंगी या सब कुछ डाल दूंगी नाउ आई एप से ल्यूटली लव दिस टी शर्ट ये ना पिंक पैंथर काइंड ऑफ टी शर्ट है पिंक पैथर लिखा हुआ है इस टी शर्ट में एंड इसका कलर जब मैंने इसको पहली बार मीशो में, में देखा like, wow, ना आई वॉज लाइक वा दिस समथिंग आई नीड नो इफ यू रिमेंबर और नॉट बट और ना ऐसे टाइप के टी शर्ट बहुत ज्यादा मिलते थे ऑल दो अभी वो बंद हो गया अभी आई थिंक वो सवना सावना काफ़ kind of एक ऐप है जिसमें वो कन्वर्ट हो गया यूज दैट ऐप बट एनी वेज ऐसे मीशो

ये एक प्रॉपर जिम वेयर टी शर्ट है आप इसको रेगुलर वे के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ लाइक दैट जिम वाली मटीरियल होती है ना उस मटीरियल का ये टी शर्ट बना हुआ है एंड अगेन आई रियली लाइक दिस टी शर्ट इस टी शर्ट को ना मैं बहुत बार जिम पहन के गई हूँ तो ऑल मैंने अभी जीन्स के साथ वेयर किया हुआ है बट इसको मैं जिम पहन के गई है काफ़ी फनी टी शर्ट है काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी क्यूट सा लगता है एंड इसमें यू नो कार्टून नेटवर्क अगर आपको याद हो कार्टून नेटवर्क भी बंद हो गया बट तब कार्टून नेटवर्क बहुत ज़्यादा चलता था एक टाइम पर और हमारे ज़माने में you know, कार्टून नेटवर्क चलता था तो वो शर्ट ना उन सारे कार्टून का एक रिप्रेजेंटेशन है तो काफी क्यूट टी शर्ट है तो अगर आपको ये टी शर्ट चाहिए आप डेफिनेटली मंगवा सकते हो जिम वेयर के लिए तो ये बहुत बढ़िया टी शर्ट है लेट्स वो ऑन टू द नेक्स्ट टी शर्ट नाउ द नेक्स्ट टी शर्ट दैट आई हैव इज दिस ब्लू कलर का टी शर्ट नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट आई थिंक वो पिंक टी शर्ट से ज्यादा मुझे ये ब्लू वाला टी शर्ट पसंद है इसको मैंने इतनी बार पहन लिया है मैं क्या बताऊँ आपने मेरे से पहले भी मैंने काफी सारी यू नो शॉर्ट वीडियोज डाले उसमें आपने देखे होंगे ये टी शर्ट को पहने हुए इस टी शर्ट में लिखा है ओवर थिंकिंग विच आई एम आई एम आ ओवर थिंकर तो आई थिंक मेरे लिए ही बना है टी शर्ट एंड आई एबसेल्यूटली लव दिस टी शर्ट इसका जो कलर है ना एकदम चटैक ब्लू कलर का काफ़ी अच्छा है दिस इज इलेक्ट्रिक ब्लू कलर एंड एब्सल्यूटली लव इट आई थिंक रिसेंटली ना अभी रिसेंटली मुझे एक इस कलर को लेकर प्यार हो गया लिटरली मुझे इलेक्ट्रिक ब्लू कलर बहुत पसंद आने लग गया एंड ये मेरे स्किन को बहुत अच्छे से शूट करता है दिस इज लाइक परफेक्ट और ये टी शर्ट ना मुझे लिटरली बहुत पसंद आया था जब मैंने इसको ख़रीदा था एंड मैंने इसको इतनी बार इतनी तरह से स्टाइल कर लिया है मैं इसको बाहर पहन के गई हूँ मैं इसको जिम में पहन कर गई हूँ तो बहुत तरह से मैंने इसको स्टाइल कर लिया नेचुर लव दिस टी शर्ट इसकी मटीरियल भी इनफैक्ट बहुत अच्छी है लाइक लिटरली जैसे पिंक वाली की मटीरियल थी ना वैसे इसकी मटीरियल है तो अगर आप चाहो ये टी शर्ट आप ले सकते हो इसको वेयर कर सकते हो लिटली बहुत अच्छी टी शर्ट है ये दिस टी शर्ट इज रियली नाइस आई एल पुट द लिंक बिलो यू कैन बाय इम एंड डाउन करना यू you नो know, मैं सारी टी शर्ट्स बता रही हूँ कमेंट डाउन करना आपकी फेवरेट टी शर्ट कौन सी है और यू you नो know, ये ब्लू वाले एक ऐसी टी शर्ट है जो कि डिश नहीं है यू you नो know? uh, ये आप ऑफिस भी पहनकर जा सकते हो या कॉलेज भी पहनकर जा सकते हो मे भी कुछ लोगों को लगता होगा कि पेंग जिसमें कार्टून बने ऑफकोर्स वो आप ऑफिस पहन के तो नहीं जा सकते हो ना कि कॉलेज पहन के जा सकते हो बट दिस इज अ टी शर्ट विच यू कैन वेयर इन योर ऑफिस इन योर कॉलेज या यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस इफ यू वॉन्ट अ रियलीस नाइस टी शर्ट एंड अंडर बजट ये टी शर्ट भी थ्री हंड्रेड के अंदर बजट में थी जो की बहुत अच्छी बात है। टी शर्ट इसमें ब्रुकलिन लिखा है मस्टर्ड कलर really का है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी वो ना मिनिमल टी शर्ट काइंड kind of टी शर्ट है जो आप अपने ऑफिस कॉलेज भी पहन के जा सकते हो अफकोर्स जिम में तो आप कोई भी टी शर्ट पहन के जा सकते हो ये टी शर्ट का भी मटेरियल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था ऑल दो जो ब्लू और पिंक टी शर्ट्स मैंने पहले दिखाया ना उसके मटेरियल बेटर थे कंपेयर टू दिस टी शर्ट बट इस टी शर्ट का मटेरियल इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं था मीन टू हंड्रेड के अंडर अंदर अगर आपको टी शर्ट्स मिल रहे हैं ना तो उसका मटेरियल डिपेंड कर सकता है अगर आप मीशो से लाइक पांच कपड़े मंगवा रहे हो ना उसमें से हो सकता है कि एक दो कपड़े अच्छे ना निकले सो so ऐसा भी होता है बट एनीस इस टी शर्ट का मुझे मटेरियल वाइज भी काफी अच्छा लगा इसको आप काफी वे में स्टाइल कर सकते हो अगेन विद पैंट्स विद यू नो ब्लू जीन्स विद ग्रीन पैंट या दिस इज अ रियली नाइस टी शर्ट नीचे न्यू यॉर्क भी लिखा हुआ है काफी कूल cool लगता है ऐसे टी शर्ट सैनिक में बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे कुछ टाइम पहले आई I मीन mean, कुछ ईयर्स पहले सो या दिस इज अगेन वन ऑफ दो शर्ट्स यू कैन गो फॉर इट दिस इज अगेन अ रियली नाइस टी शर्ट Now द नेक्स्ट T-shirt इज़ इट्स नॉट रियली अ टी शर्ट इट्स लाइक अ पजामा सेट जिसको मैं टी शर्ट की तरह भी पहन चुकी हूँ बहुत बार आपने मेरी काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ में देखी होगी इसको दिस इज़ वट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिंक पजामा सेट इज़ माई एप्सल्यूट फेवरेट अगेन इसका मटीरियल भी बहुत अच्छा लाइक इतना सॉफ्ट है ना ये आई थिंक फोर का पड़ा था मुझे एंड आई थिंक दिस इज टोटली वर्थ इट लाइक लिटली वैल्यू फॉर मनी था इसमें कैलिफोर्निया लिखा है ऊपर एंड नीचे एन एक कलर एकदम यू नो सॉफ्ट कैंडी पिंक कलर का है काफ़ी अच्छा एक ऑर्ड सेट लगा था मुझे एंड आई रियली लाइक दिट एंड मैंने इसको बहुत बार पहन चुका है बहुत बार वॉश करके भी पहन चुका है एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा तब भी लगा था एंड अभी भी मैं पहनती हूँ इसको पहले तो मैंने बहुत यू you नो know, मैं पहन के मॉल भी जा चुकी हूँ इस टी शर्ट को इस पूरे पजामा सेट को ये इतना अच्छा एंड काफ़ी अच्छा लगता है यार लाइक अगर आप रात को मूवी देखने जा रहे हो यू कैन डेफिटली वेयर दिस एंड गो आपको कम्फर्ट चाहिए होता है राइट सो दिस पजामा सेट यू कैन वेयर एनी टाइम एंड अफकोर्स इस टी शर्ट को आप कैसे भी यूज कर सकते हो इस टी शर्ट को आप कॉल्स पहन के भी जा सकते हो एंड इस टी शर्ट को आप जिम में भी यूज कर सकते हो तो इट्स लाइक अ रियली नाइस टी शर्ट इसका मटीरियल भी बहुत अच्छा है कलर इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था यू नो सो या इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड गेट दिस टी शर्ट लिंक अगैन नीचे है नॉ लेट्स मू वॉन्ट टू द नेक्स्ट टी शर्ट नॉट सो फेवरेट टी शर्ट्स ऑफ माईकेज अ ब्लैक टी शर्ट दैट आई गॉट इसकी ना वीडियो मैंने नहीं बनाई है बिकॉज ये टी शर्ट मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था आई परचेज दिस टी शर्ट ये मुझे काफी अच्छा लगा था जब ये आया ठीक था ये ना काफी ओपन था सब कुछ सही था लेकिन जब मैंने इसको वेयर किया ना ओ ओमाई गॉड ये मेरे बॉडी में से चुभ रहा था लिटरली आप इसको गर्मी में तो पहन ही नहीं सकते इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ठंडे में भी पहनो इसको बिकॉज इसको पहनने के बाद ना अगर आप जिम कर लो ना आधी स्वेटिंग तो इस टी शर्ट से हो जाएगी ये टी शर्ट एब्जॉर्ब नहीं करता हीट ये टी शर्ट हीट देता है ये पैदा करता है ये टी-शर्ट का मटेरियल लिटरली बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है मैं इस टी-शर्ट का लिंक भी नहीं दे रही नीचे ये टी शर्ट इतना बुरा है आई I मीन mean, इसका सब कुछ ठीक है लेकिन इसकी जो वो बोलते हैं ना वो मटेरियल जो चुभने वाली मटेरियल होती है ये टी शर्ट उस मटेरियल का बना है पता नहीं मैंने अपने पैसे क्यों बर्बाद किए आई I मीन mean, मैं इसको पहन चुकी हूँ धो चुकी हूँ तो ऑफकोर्स रिटर्न तो होगा नहीं बट मुझे काम चलाना पड़ेगा कभी ऐसे घर पर पहन लिया एक दो घंटे के लिए ठीक है बट ऐसे तो आई वुड रिकमेंड यू गेटिंग दिस टी शर्ट दिस इज अ परचेज जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एंड आई रिग्रेट बाइंग दिस टी शर्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टी शर्ट द नेक्स्ट टी शर्ट आई हैपल टी शर्ट इसमें मून चाइल्ड लिखा हुआ है अगेन इस टी शर्ट का मटीरियल ना ऐसे पर्पल कलर में है मुझे तो पर्सनली ये टी शर्ट काफी पसंद है मेरी मॉम भी इनफैक्ट वेयर करती है जब मैं जब मैं घर आती हूँ मैं यूज कर लेती हूँ जब मैं दिल्ली जाती हूँ मेरी मॉम यूज कर लेती है ये टी शर्ट इतना प्यारा टी शर्ट है ये एंड इसको मैंने बहुत बार घर पे पहन लिया तो आप इस टी शर्ट को ऑफकोर्स बाहर तो पहन के नहीं जा सकती होता है ना अगर आप कोई टी शर्ट को घर पर पहन लो बहुत बार आप उसको बाहर पहन के नहीं जाते वैसे ही एक टी शर्ट है मैम मीशो से बहुत पहले मंगवाया था ये टी शर्ट एंड मैंने कभी ऐसे दिखाया नहीं आप लोगों को सो हेयर इज अनदर कंफर्टेबल टी शर्ट फॉर यू इफ यू वांट लाइक रियली कूल एंड कम्फी टी शर्ट फॉर जिम अगेन ये टी शर्ट भी काफी अच्छा आई थिंक मैंने सारे कलर्स ऑलमोस्ट यू नो कवर कर दिए है अगर कोई कलर छूट रहा कमेंट डाउन करना एंड आपका फेवरेट टी शर्ट आपको देखने में कौन सा टी शर्ट से अच्छा लगा कमेंट करके बताना मुझे सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो इफ़ यू वॉन्ट मोट सच विडियोज कमेंट करना की मैं नेक्स्ट मीशो हॉल में क्या दिखाना चाहिए लाइक वॉट हॉल शुड आई मेक सो आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वेलरी और मे बी बैग्स विल सी विल सी एनी वे दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो If you like this video, make sure to like, comment, share, and subscribe to my channel. Okay, bye.